ओम शांति। आप सभी ने गुरु शिखर, अचलगढ़ और पीस पार्क की वीडियो देखे। आज आप सभी के लिए बाप दादा ने उल्लेख किया हुआ जो मंदिर के बारे में, आज आप सभी को दिलवाड़ा टेम्पल दिखाता हूँ, जिसके अंदर इतनी अच्छी नकाशा है, इतनी अच्छी सुंदरता का डिज़ाइन बनाया गया है, भारतवर्ष में कोई जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे महारथी पांचों मंदिर का संगम एक दिलवाड़ा टेम्पल है, जिसकी इतिहास करुणा गाथा बहुत सुंदर है। दो भाई रहते थे, वास्तुपाल और तेजपाल, और दोनों की भाई की यादगार में बनाया गया ये मंदिर दिलवाड़ा टेम्पल, जिसमें दोनों भाई राजा का पुत्र थे और राजाओं के पास बहुत सारे धन दौलत होती है पुराना ज़माने में। तो उस समय में उनकी माता श्री ने धन को छुपाने के लिए गए थे, जहाँ धन को छुपाने गए थे वहाँ धन जितना डालते गए और वो और धन निकलता रहा। तो दोनों भाई बोले इतना सारे धन निकाले हम क्या कर सकते हैं, मतलब महारानी को बोले। तो महारानी ने बोला हमें ऐसा कुछ करेंगे जो दुनिया वाले धन तो देख सकते हैं किंतु ले नहीं सकते, छू सकते हैं किंतु ले नहीं सकते। उनकी इसी उत्तम विचार और उत्तम विचारधारा की आदर्श से उन्होंने बनाया था ये दिलवाड़ा टेम्पल। हम सभी उसी धन को छू सकता है, देख सकता है किंतु ले नहीं सकते। उनकी उत्तम विचार के लिए, उत्तम भावना के लिए अरावली पर्वत के ऊपर बसा हुआ ये दिलवाड़ा टेम्पल बहुत सुंदरता है, भारतवर्ष की गौरव है। चलिए आज सब मिलकर दिलवाड़ा टेम्पल की अवलोकन करते हैं। ओम शांति। ये देख सकते हो माउंट आबू की आगमन कर रहे हम सभी ऊपर जाने के लिए, कितना सुंदरता, कितना भव्यता है इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते निकल। इसको ऊपर से नज़ारा आप सभी को दिखाता हूँ, दिलवाड़ा टेम्पल की ऊपर से कितनी अच्छी नज़ारा दिखाई देती है। ऊपर की नज़ारा कितना सुंदर देख सकते हो, हरी भरी, उसकी बाजू में गांव बसा हुआ है एक, बहुत सुंदर लग रहा है इसकी नज़ारा। मंदिर के अंदर जाएंगे अभी, ये देख सकते हो मंदिर का मुख्य द्वार। ये ऊपर से जो दिखाई देता है कितनी अच्छी डिजाइन देख सकते हो, इसके ऊपर से देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर मंदिर के ऊपर से कितना अच्छा लग रहा है। नकाशा आप जो को दिखाता हूँ, ये देखो एक झूमर है, बहुत बड़ा झूमर है इसकी, कितनी अच्छी बारीक कारीगरी किया गया इसके अंदर, ये देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है इसकी कारीगरी। पत्थर के ऊपर इतना नकाशा करना इतना आसान नहीं होती है, देख सकते हो। जब इसी मंदिर में कार्य चल रही थी, जब सुंदरता से परिपूर्ण हो रही थी और कारीगर का कलाकृति सभी सुंदरता से प्राण झुक दिए सभी कारीगर ने, जब भी राजा महाराजा लोग आते थे घूमने के लिए तो उन्होंने मतलब कारीगर को बोले और भी सुंदर हो सकता है, और भी सुंदर हो सकता है। उन्होंने ऐसा किए थे जे जो भी मूर्ति बनाने के बाद जो वेस्टेज निकलता था वो सारे चांदी, जितनी वेस्टेज निकालता इसी की समान भाग से चांदी की उन्होंने दिए थे। तो सोच सकते हो इसको बनाने में कितनी मेहनत, कितनी लगन और कितनी भव्यता से उन्होंने समर्पण किए हैं भारतवर्ष को ये इतिहास की पन्ने। बहुत देश विदेश से आते हैं लोग घूमने के लिए यहाँ,
क्योंकि ना ऐसे डिजाइन, ऐसे कारीगरी कोई जगह आप सभी को दिखने नहीं मिलेगा। एक एक गुम्बद देख सकते हो और दीवार देख सकते हो, इसके अंदर उन्होंने कैसे नकाशा किया ये देख सकते हो, कितनी अच्छी गुम्बद की गई है। इसके अंदर वास्तुपाल तेजपाल दोनों भाई का मूर्ति भी है, राजा महारानी का भी मूर्तियां हैं, और पांचों मंदिर का जो जैन धर्म को समर्पित है ये मंदिर, उसकी भी मूर्तियां हैं। बहुत अच्छी, ये पत्ते जैसे है उन कहा जाता है, पत्ते का डिजाइन है। और झूमर देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर, दूर से बहुत अच्छा लग रहा है। ये देख सकते हो कितना सुंदर, कितना अच्छी झूमर इसकी, ये पहली मूर्ति है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए और अंदर चलते हैं, कितना सुंदर ध्वज लहरा रहा है दिलवाड़ा टेम्पल की, कितनी सुंदर लग रहा है इसकी भव्यता, ये देख सकते हो इसकी कारीगरी कितना सुंदर है। बहुत अच्छा लग रही है, जब ये मंदिर में हम प्रवेश करते हैं कितना सुंदरता से वातावरण, भावना और संपूर्ण जैसे परिपूर्ण है इस मंदिर के अंदर, क्योंकि ना यहाँ सभी महारथियों का बलिदान देकर ये मंदिर को बनाया गया है। कितने भाग्यवान हैं हम सभी जिस मंदिर के पास पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं, कितना सुंदरता से परिपूर्ण है। जैसे भारत की एक आध्यात्मिक का केंद्र बिंदु है ये देख सकते हो। अरावली पर्वत तो है ही है योग तपस्या का भूमि, आज ये देख सकते हो मंदिर भी कितनी भव्यता और कितना सुंदर ऐसे से बनाया गया। मंदिर की चारों तरफ बाहर की नज़ारा, जब मंदिर से दूर आप खड़ा होकर देखोगे कितना अच्छा सुंदर नज़ारा दिखाई देता है, कितनी अच्छी भव्यता इसी मंदिर के अंदर झलक रहा है ये देख सकते हो, बहुत अच्छा लग रहा है इसकी नज़ारा। एक एक पत्थर को उन्होंने कितने बारीक तरीके से कार्य किए हैं, समझ सकते हो कितनी मेहनत से उन्होंने इसी मंदिर को अपना सर्वस्व कलाकृति का संपूर्ण विवरणी दिए है इसके अंदर, ये देख सकते हो। मूर्तियाँ भी बहुत सुंदरता से परिपूर्ण किया गया है इसको नकाशा में। ये जैन धर्म को समर्पण दिलवाड़ा टेम्पल, बहुत सुंदर लग रहा है, कितनी अच्छी नकाशा किया गया। जब राजा रानी ने इस मंदिर को बनाने का साथ साथ जब उन्होंने इन्होंने बताया था जे और कुछ हो सकते और कुछ हो सकते हैं, तो कारीगर ने हाथ जोड़ दिए थे जे ये मंदिर को यदि हमें ये पत्थर के ऊपर और यदि नकाशा करेंगे तो ये मूर्तियां और ये जो नकाशा किया टूट जाएगा, उन्होंने हाथ जोड़ दिए। तो सोच सकते हैं भारत की धरोहर को कितनी अच्छी बनाने के लिए उन्होंने पूरी राजा रानी ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिए। ऐसे रानी महारानियों को और ऐसे राजा महाराजाओं को, ऐसे भारतवर्ष की गौरव गाथा गाने वाले लिखने वाले को, ऐसे कारीगर को परमपिता परमात्मा की तरफ से बहुत सारे याद प्यार है। उन्होंने उन आत्मा जहाँ भी रहेंगे जैसा भी है उनको बहुत सारे याद प्यार है कि उन्होंने भारतवर्ष को एक
एग्जाम्पल दिए हैं बनने के लिए, बनाने के लिए संसार को श्रेष्ठ कैसे बना जा सकते, उन्होंने पूरी अपना इसी मंदिर के माध्यम से दिया गया। एक भक्ति मार्ग की नमूना है ये, एक श्रेष्ठता का सूचक है। ये देख सकते हो कितना सुंदर सत्य परिपूर्ण है ये मूर्ति, कालापाषाण में बना हुआ ये मूर्ति बहुत सुंदर लग रहा है। ये देख सकते हो ये मंदिर के बाहर भागों की कितनी अच्छी सुंदर लग रहा है, कितना बेहतरीन इसकी कारीगरी है, कितने सुंदरता से परिपूर्ण इस मंदिर का। बहुत अच्छा लग रहा है। समय के साथ साथ ये उन्होंने अपना पूरी कलाकृति छोंक दी है इसके अंदर, पूरी अपनी जैसे कहावत है किसी मूर्ति को बनाने के लिए आपको स्वयं अपना प्राण झोंकना पड़ता है, क्योंकि ना उसी मूर्ति में उसकी कलाकृति दिखाई देती है, उसकी जीवंत जो देवता की जीवंत मूर्तियां दिखाई देती है, ऐसे उनकी कलाकृति है। इसकी नज़ारा दोबारा आपको दिखाता हूँ, कितना अच्छा लग रहा है इसकी नज़ारा, सुंदरता बहुत सुंदर लग रहा है चारों तरफ शांत वातावरण। आप सभी और चिड़ियों का जो वर्णन किया ये सभी आप देख सकते हो, कितना अच्छा लग रहा है वातावरण, कितना सुंदर लग रहा है इस भारत की धरोहर नज़ारा है, भारत की जो मूल्यवान चीज है ये। जब ये मंदिर में प्रवेश करते हैं ऐसा लगता है जैसे हम शांति के सागर के पास सुंदरता से भरी पूरी है, ऐसे ज्यादा करके राजस्थान और गुजरात में आवास होता है, क्यों ना ज्यादा करके आपको राजस्थान में ही मिलेगा। माउंट आबू हिल स्टेशन के पास ये एक नज़ारा है ये इसकी, ये एक सुंदरता से भरपूर है। ये देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है बाहर की जो नज़ारा, और साथ साथ में ये जो इसी मंदिर के साथ जैन धर्म का आस्था जुड़ा हुआ है, देख सकते हो आप सभी देख सकते हो सुंदरता से भरपूर ये मंदिर की डिजाइन, कैसे सुंदरता का वर्णन करता है, कारीगरी का एक पहचान देती है भारतवर्ष की। ये देख सकते हो आप सभी बहुत अच्छी सुंदरता के साथ मूल्यांकन बनाया गया है। नहीं सकते आज के समय भी हम भी कितना धन्यवाद देते हैं जो कारीगरी उसको बनाया है, अपना प्राण झुका है, ये कितनी अपनी भारत की इतिहास और भारत की धरोहर को बचाकर उन्होंने इतना मेहनत करके इसको बनाया। ये देख सकते हो लग रहा है ये हाथियों का कितनी अच्छी छोटे छोटे कारीगरी, थोड़ी थोड़ी से कारीगरी आप देख सकते हैं, ये रस्सी जैसी है, ये रस्सी देख कैसे इसको डिजाइन किया गया, कैसे सुंदरता भाव से लाइन से लाइन पूरा एक्यूरेट पूरी चीज सब कुछ बनाया गया इसके अंदर। ये ऋषि मुनि ऋषि है सभी बहुत सुंदरता से प्रतिमा आपने पहले देखी है। ये मंदिर ये देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है इसकी भव्यता कलाकृति, बहुत अच्छा लग रहा है इसकी। आगे आपको दिखाता हूँ, चलिए दूर से ये देख सकते हो कितनी इतना सुंदरता का परिपूर्ण है ये मंदिर, बहुत अच्छा लग रहा है। से आप इसकी नकाशा के कितना अच्छा लग रहा है आप देख सकते हो, ये कितनी अच्छी कारीगरी ये देख सकते हो आप सभी, बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर की शिखर देख सकते हो, इसकी नज़ारा कितना खूबसूरत है, शान से अपना ध्वज लहरा रहा है। बेहतरीन कारीगरी है इसकी ऊपर। ये मंदिर जो देख रहे हो आप सभी, दूर से तो आपको सामान्य लगेगा और पता नहीं चलेगा उसके अंदर क्या है नहीं है, जब उसके अंदर जाते हैं तब पता चलता है इसके अंदर क्या क्या है, कितना सुंदर सत्य परिपूर्ण है। भारतवर्ष की धरोहर सबसे पुराना मंदिर है ये आबू पर्वत के ऊपर। आबू पर्वत के ऊपर जितनी भी आपने धर्मस्थल देखोगी, बहुत शांति और बहुत प्रेमता से परिपूर्ण वातावरण से शांत की अनुभूति, और जैसे प्रकृति ने सजाकर शांति की वातावरण बना के रखी है इसी धरती को। आबू पर्वत के ऊपर बसा हुआ ये सारे तीर्थस्थल, गुरु शिखर देख लो,
और अचलगढ़ देख लो और गौमुख देख लो, कितनी अच्छी सुंदरता से परिपूर्ण है। मंदिर के भीतर चलते हैं, ये देख सकते हो कितनी अच्छी मूर्तियाँ बनाई हैं उन्होंने पत्थर के ऊपर, कितनी अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। बहुत सुंदर लग रहा है ये देख सकते हो। यहाँ से हम सभी दूसरे मंदिर के पास जाएंगे, चलिए ये देख सकते हो। कितनी अच्छी सुंदरता से परिपूर्ण ये मंदिर, ओम शांति, सदा खुश रहिए।